Swadika, what is this? Okay, Ji, the train is coming from this side. Like I can even touch it, but I don't want to touch it. ये भी fish है. Noodles और हम इसके साथ अब खाएंगे. Let's try this. और यही मैं ढूंढ रहा था. I want the mango. Assalamualaikum ji, this is me Yasir Aamir and you're watching Yasify. Welcome to another vlog from Bangkok. और आज जो है बहुत exciting, बहुत famous जो है एक Bangkok की market है, which is floating market और train market. आज की video में you're gonna watch floating market और train market के अंदर hell of activity. So we are heading toward there. It's 9 AM. सुबह सुबह आपको उठना होता है. So we are heading over there. Let's go. Hey, city, hum nahi cholenge, damkan tera saath na cholenge. Hello, Mr. Noam. How much time will it take to take us from here to there? Here to the floating market. 1 hour. First we have to go to the railway market. At what time the train comes? About 11 o'clock. 11 o'clock and we'll be reaching in 1 hour. Okay ji, ये कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और सबसे पहले हम ट्रेन मार्केट जाएंगे और वो आपने देखी होगी कि ट्रेन की जो लाइन है, रेलवे लाइन है, उसके ऊपर शॉप्स होती हैं. So हम पहले ट्रेन मार्केट जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे floating market. 1 hour later. ये जी हम इस टाइम ट्रेन मार्केट पहुंच चुके हैं. 1 घंटा लगा हमें. आपको मैं दिखाता हूँ वो ट्रेन जब आती है. अच्छा जी, बड़े मज़े के फ्रूट हैं और ये मुझे बड़ा पसंद है. पैशन फ्रूट? हाँ. अच्छा नहीं, अब उनको इंग्लिश भी समझ नहीं आती. दिस वन इज़ पैशन फ्रूट, सॉरी. ये बनानाज हैं यहाँ पे. ये जनाब 5 बर्ड का है. 25 रुपये का ये सारा है. Swadika, what is this? What is this? Coconut pancake. Coconut pancake. How much for this? 20 baht. 20. अच्छा जी, मेरे ख्याल से इसको ट्राई करना चाहिए. ये कोकोनट पैनकेक है यहाँ पे. How you make this? Okay, that. ले जनाब, ट्राई करके देखते हैं. इसके अंदर इन्होंने जो है ये ग्रीन ऑनियन ऐड किया हुआ है और ये बैटर है, उसके ऊपर जो है वो कोकोनट मिल्क है. लेट्स गिव इट ट्राई. नाइस. सो जी, ये रही द मोस्ट फेमस ट्रेन मार्केट और अभी हम अंदर चलते हैं. ये शॉप जो है ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक के ऊपर है. Can you see that? ये इतनी नैरो मार्केट है. साइड पे शॉप्स हैं और ये मतलब यहाँ पे इन्होंने शेड्स वगैरह लगाए हुए हैं और जैसे ही ट्रेन आएगी ये सब मूव कर लेंगे यहाँ से. एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. ये है जी मार्केट. यहाँ पे डिफरेंट आपको चीज़ें मिलेंगी. सी फूड, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग यू नेम इट एंड इट्स देयर. ये है जी फिश और ये भी फिश है. ज़्यादातर जो है मुझे देखने के लिए सी फूड मिल रहा है. ट्रेन इज़ जस्ट कमिंग नाउ और ये आप देखें शॉप्स बंद हो रही हैं. वी आर वेटिंग हियर एक्साइटेडली. लेट्स बी हियर और इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ट्रेन का और जैसे ही आएगी ये सारी जितनी मार्केट है ये सारी मूव हो जाएगी. ये जी अनाउंसमेंट है कि ट्रेन इज़ कमिंग और इन्होंने अपनी चीज़ों के ऊपर जो है वो एक कपड़ा वगैरह डाल दिया है ताकि वो गंदी ना हो. और द ट्रेन इज़ कमिंग नाउ. ओके जी, द ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड. ये आ रही है ट्रेन. ये जी ट्रेन और बहुत मुश्किल यहाँ पे, बहुत क्लोज है ट्रेन के. लाइक आई कैन इवन टच इट. बहुत क्लोज है. ये रही जी वो ट्रेन और इसके अंदर जाते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे. ओके ये रही जी ट्रेन, खाली है अभी क्योंकि ज़्यादातर टूरिज़म है, कोविड के बाद वैसे भी ये खाली हो चुकी है। टूरिज़म की वजह से सिर्फ लोग यहाँ पिक्चर्स बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इस ट्रेन को यूज़ करते हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे जी फ्लोटिंग मार्केट। नहीं जी, ट्रेन मार्केट टूर ख़त्म हो चुका है और 11:10 सुबह के जो है उस वक्त ये ट्रेन आती है और अब हम यहाँ से मूव करेंगे फ्लोटिंग मार्केट में और ये एक और तरह का एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ से हम चलेंगे फ्लोटिंग मार्केट। इसको ट्रॉपिकल कंट्रीज इसीलिए कहते हैं, अभी बारिश होके ख़त्म हुई है यहाँ पे और अभी हम जो है वो बोट मार्केट पहुँच चुके हैं बोट ट्रिप के लिए। ये है जी फ्लोटिंग मार्केट ऑन माई बैक, आप देख सकते हैं ये है बोट्स और यहाँ से हमारा जो है वो सफ़र शुरू होगा toward the market. ले जनाब, हमारी फ्लोटिंग मार्केट में हमारी जो बोट है शुरू हो चुकी है। वेरी एक्साइटिंग व्यूज़, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी नैरो है ये और ये टच भी हो सकती है जनाब। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, ओके बड़े मज़े के व्यूज़ है। इट्स अ मस्ट हैविंग ट्रिप, आपको लाजमी ये ट्रिप लेना पड़ेगा जब भी आप बैंकॉक थाईलैंड में आएंगे। यू हैव टू टेक इट मस्ट। यहाँ पे ये कोकोनट ट्रीज हैं। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ठंडा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। आप देखें वीडियोस के अंदर जो है वो तो आप उस तरह से फील नहीं कर सकते, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकेंगे। अपनी आंखों से जब आप देखेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ये जी आपको चीज़ें बेचेंगे यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये यहाँ पे मार्केट है, शॉप्स बनी हुई हैं अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं। हाउ मच फॉर दिस? 400? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। शो मी अनदर वन। हाउ मच फॉर दिस? 400 बाट यानी कि 2200 रुपये पाकिस्तानी बन रही है जी। मैंने 200 बोला है, इन्होंने 400 बोला है, लेकिन बात नहीं बन रही। हमारी बात बन गई है 200 बाट में 1100 रुपये में। ये 200 रुपये ओके का। हाउ मच फॉर दिस वन? द कलरफुल दिस वन, ये बहुत महंगी दे रही है। यहाँ पे बाहर जो है वो 300 बाट की थी, ये 1200 बाट की दे रही है, काफी महंगी है। ओके थैंक यू, कम खाब। यही मैं ढूंढ रहा था। आई वांट द मैंगो विद द स्टिकी। ओके हाउ मच फॉर दिस? 100 पीस। ये डुरियन फ्रूट है, यहाँ का बड़ा फेमस फ्रूट है डुरियन और बड़ा स्मेली होता है और डिफरेंट होटल्स में ये बैन है कि आप ये वहाँ पे खा भी नहीं सकते। ये हमारी बोट जो है यहाँ फंस चुकी है और बड़ी मुश्किल से जब टर्न आता है तो टर्न बहुत मुश्किल से लिया जाता है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, हमारा ये ट्रिप पूरा हो चुका है। अब ये एक और मार्केट की तरफ से हमें ये लेके जा रहे हैं। स्टॉप 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 स्टॉप। व्हाट इज दिस? नूडल। चिकन ओके जी, ये नूडल्स हैं यहाँ पे बन रहे हैं। ये नूडल्स हैं जो हमने अभी यहाँ से लिए हैं। ये आई थिंक उसका सूप है। फिश है। अगर फिश की किसी को अरोमा नहीं पसंद तो उनके लिए ये नहीं है क्योंकि इसमें फिश का बहुत हैवी अरोमा है। थाईलैंड बैंकॉक में जो फ्लोटिंग मार्केट है, बेसिकली दिस इज द मेन मार्केट दामुन साधु। हम इनसे बार्गेन कर रहे हैं कि स्नेक के साथ पिक्चर बनाना है, बट नहीं बना रही हूँ उसके साथ पिक्चर। जनाब हमारा जो ड्राइवर है वो भगाते ही जा रहा है। ले जी, आज का बेहतरीन फुल ऑफ एडवेंचर और फन भरा ये दिन ख़त्म होता है। बहुत इंजॉय किया इस फ्लोटिंग मार्केट को। जब भी आप बैंकॉक आएँ ये जो है एक्सपीरियंस लाजमी करें, ट्रेन मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट, ये दो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। एंड मैं रेट करूँगा कि 10 out of 10 है फ्लोटिंग मार्केट। सो जब भी आप आएँ ये ज़रूर विज़िट कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी सो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और इस तरह वीडियो को देख रहे होते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।